काफी सालों बाद आया ना मैं, थोड़ा ज्यादा नीचे गया। तो स्वागत है सबका इस ब्लॉग के अंदर, और ज्यादा लंबा ब्रेक हो गया चैनल पे, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैं बिजी था मेरे दूसरे चैनल पे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उस चैनल का नाम है गीकी कैप, इसके लिए ये सब कर रखा है और आज मैं सोचा इसको थोड़ा सफाई कर लें। और अभी आप सबको पता है कि हम सब घर पे बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है दुनिया के साथ। तो कोई बात नहीं, घर पे हैं तो भी ब्लॉग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इस रूम की सफाई। ये मेरा रूम है, यहाँ मैं वीडियोज बनाता हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन आप देख सकते हैं, उसको शूट करेंगे इधर। लेट्स गो। ये टेबल मेरा पूरा गंदा हो चुका है, इसको क्लीन करेंगे, इसको भी क्लीन करेंगे। बहुत सारा कपड़ा हो चुका है और यहाँ पे नीचे सब कुछ क्लीन कर देंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इस टेबल को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे इस ग्रीन स्क्रीन के जस्ट पास में। और फिर मेरे सॉफ्ट बॉक्सेस बनाए हुए थे वो यहाँ पे दोनों साइड लगा दूंगा, और फिर यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। ऑल्सो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आज ब्लॉग बनाने हुए, मतलब ऑल्सो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ब्लॉग बनाते हुए। फैन बन करना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम सफाई करते हैं। सफाई तो अभी बाकी है, लेकिन मुझे खुशबू आ रही है तो देखते हैं मम्मी क्या बना रहे हो। नोकी डिशेज दिखाना बन रहा है और हम तो सफाई कर लेते हैं। वो अभी आपको मैं बताया तो प्रोग्रेस कितनी चल, ये झाड़ू बाकी है और ये सारा पूरा कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ यहाँ लगाना बाकी है और सेटअप बाकी है अभी। सो आप देख सकते हैं ये सेटअप मेरा और ये है माइक, और आपको बताया सेटअप। तो फोन गिर गया, ये मैंने लाइटिंग और सामने यहाँ से रिकॉर्ड होगा और भी टेक वीडियोस बनाऊंगा, तो गीकी कैप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डेली वीडियोस आती है उस पर। अब मेरे को क्या करना है बताता हूँ, सबसे पहले मुझे लाइट्स बंद कर देनी, उसके बाद बहुत ज़्यादा पसीने हो चुके हैं, पूरा सेटअप बन चुका है देख सकते हैं, पूरा एक छोटा सा मिनी सेटअप है ये। तो अब इसके बाद हम जाएंगे नहाने, नहा के बनाएंगे खूब सारी वीडियोस। पर माँ मैं नहा के आ रहा हूँ, आते ही मैं खाना खाऊंगा, ठीक है? तो मुझे भूख लग रही है, फटाफट बना लो जो भी बन रहा है। वाह यार, हाथ नहीं चलता क्या? डर नहीं लगता? एक बहुत अच्छी चीज बताना भूल गया आप लोगों को। हेलो पीचू, 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 एक तो ये बड़ा हो चुका है बच्चा, और एक और यहाँ पे इस कबूतर ने अंडा दिया है, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और नाल नहाने के बाद सच में चलो, पर कितनी बार नहाया यार दिन में, इतनी गर्मी लग रही है फिर भी लग रहा हूँ ना चंपू एकदम। और अवि घर पे हैं तो बियर्ड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब मैं खुद करने लग जाऊँगा तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि मुझे आती नहीं है। खाना खा ले माँ, कहाँ है खाना दो यार, ऐसा थोड़ी चलता है, यूट्यूबर है हम। यार ये न्यूज़ बंद करो यार, न्यूज़ हटाओ, न्यूज़ चैनल मुझे नहीं पसंद आ रहे अभी, दिन भर क्या न्यूज़ देखिए, कोरोना। अपने तारक मेहता चलाओ बेस्ट है, चलो खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों एक सेकंड रुकिए, तो दोस्तों अभी बहुत सारे हादसे हुए आज पूरे दिन में, और इन हादसों की वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। सबसे पहला हादसा ये हुआ कि जब मैं ये वाला शॉट ले रहा था तो अब मेरे फ़ोन को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोन को अच्छे से टेप से ढक दिया था, लेकिन मैंने क्या थोड़ा मतलब कुछ हो नहीं रहा था, टेप ढकी हुई थी तो मुझे मस्ती सूझ रही थी, तो मैं बहुत खेलने लग गया पानी से फ़ोन के साथ में, और बहुत ज़्यादा पानी में डाल दिया मैंने, और तो टेप से थोड़ा सा मॉइस्चर जो इस फ़ोन का जो बैक कैमरा उसमें चला गया था, और मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने क्या पागलपंती कर दी। लेकिन फिर मैंने सोचा इसको फटाफट से सॉल्व किया जाए, थोड़ा टीवी कम कर दो ना हल्की सी, तो फिर मैं पूरे दिन थोड़ी और सो, तो फिर मैं पूरा दिन इस पूरे मेरे फ़ोन को सही करने लग गया, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा अगर होता तो
मेरा फ़ोन पूरा ख़राब हो जाता, लेकिन फॉर्चुनेटली बच गया। जो टेक्निक्स मैंने यूज़ की उससे ठीक हो गया फ़ोन। अगर आपको जानना है कि आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को कैसे एक दिन में फटाफट से जल्द ठीक कर सकते हैं पानी से अगर वो डैमेज हुआ है, तो मेरे गीकी कैप चैनल पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ, या तो मैंने डाल दी होगी अपलोड होने से पहले, अगर डाल दिए तो यहाँ आई बटन आ जाएगा, आप देख लेना, अगर नहीं डाली है तो आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। और आज मैंने दो वीडियोस एडिट किए, दो वीडियो डाल दिए और अभी दूसरी हो रही है और रामायण आ रही है, आप देख सकते हैं वहाँ पे रामायण चल रही है। तो अभी पूरा देश पीछे जा चुका है, भविष्य में, भविष्य में नहीं क्या भूतकाल, पास्ट में जा चुका है। अब ये थंबनेल बनाना पड़ा, जो थंबनेल बनाते हैं फिर लग रही भूख, नहीं नहीं लग रही भूख में, क्योंकि मैंने मैगी खाई थी। जब मैं मैगी खा रहा था तभी मेरा मूड खराब था, क्योंकि मेरा फोन सही नहीं था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, आगे का अब आगे देखते हैं। तो बहुत व्लॉग एडिट करते करते मुझे पता चला कि ठीक है, ज़्यादा बोरिंग हो रहा है इस बार का व्लॉग, अब व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं और जाने जाते और जाते जाते मैं सब ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। ऑल्सो एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ तो मेरी मम्मा व्लॉग्स लिखना शुरू किया, मम्मी ने, और व्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है इस वीडियो के, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि मम्मा क्या व्लॉग लिखते हैं, अगर आपको जानना है तो एक बार आप खुद चेकआउट करें। आई होप इसको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और गीकी के ऐप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, पीस आउट, बाय।